जिनको समस्याएं समझते हैं वो परीक्षाएं हैं, उन परीक्षाओं में जो फेल होता है वो रोता रहता है, उसका एक ही काम है रोते रहना, सीखता नहीं, उससे सीखने की कोशिश नहीं करता है, रोता रहता है, ये कम है, ये कम है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा है वैसा है। रोने का एक काम है, बहुत लोग आते दरबार में देखते सिर्फ रोते रहते, भयंकर कामुकता है, वासनाएं हैं भरी हुई है, लग रहा मर जाएंगे पूरी नहीं होंगी। हम कहते हैं इसी क्षण मर जाओ, तुम्हारी धरती पे कोई आवश्यकता नहीं है, अगर तुम वासनाओं से खेलने आए हो तो इस धरती पर तुम्हारी बिल्कुल आवश्यकता नहीं। रोने के लिए धरती नहीं है, ये धरती हंसने की है, ठट्ठे मार के खिलखिलाने की है, उमंग उत्साह से भरे रहने की है, ये धरती भरी पूरी है, यहाँ कोई भी यहाँ पे किसी प्रकार का अभाव नहीं है। जिस दिन आपके अभाव का अभाव हो जाएगा उस दिन आप पूरे हो जाएंगे। अभी आप में से बहुत लोग उस अभाव में गोते लगाते रहते, रोते रहते रोते रहते, थोड़ा आया तो हंसने लगे, चला गया रोने लगे, फिर आया हंसने लगे, फिर चला गया रोने लगे, इसी में व्यस्त है हंसने रोने में। जो आए परवाह नहीं, चला जाए परवाह नहीं, उसी की दुनिया है, उसी की धरती है और वही पूर्णता की ओर गति करता, हमेशा इस बात का ध्यान रखना। जो देख पाए दूर से खड़े होकर के सुख और दुख को, जो सुख और दुख में लिप्त हो जाते हैं, आया तो लिप्त हो गए, चला गया तो दुख में लिप्त हो गए, आया तो सुख में लिप्त हो गए। लिप्त होने वाले के लिए बार बार जन्म लेना है, इसको कीड़े मकोड़े की तरह तमाम लोकों में बार बार मरना है, बार बार पैदा होना है कीड़े मकोड़ों की तरह। जो लिप्त नहीं होता उसे ही 84 लाख योनियों के बंधन से छुटकारा पाने का हक है, अधिकार है, बाकी किसी को नहीं है। तो कीड़े मकोड़ों की तरह व्याप्त होना है गंदगी में, जैसे कीड़े बुझबुझाते रहते नाली में, ऐसे लोग वासनाओं में बुझबुझाते रहते हैं, काम वासनाओं में, तमाम प्रकार की वासनाएं हैं।